वैसे घूमना फिरना तो सभी को पसंद है, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर कभी सोलो ट्रिप पर तो कभी दोस्तों के साथ, कभी फैमिली के साथ। अक्सर ही लोग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हॉलीडे पर जाते हैं। रिलीजियस टूरिज्म या धार्मिक स्थानों पर जाना जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, बनारस वगैरह भी टूरिज्म के अंदर आता है। आजकल ट्रैवल ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग के चलते भी घूमना फिरना अपने शौक पूरे करने के साथ साथ कमाई का जरिया बन गया है, और इन सब चीजों के चलते ट्रैवल एजेंसी खोलना भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हो रहा है। तो आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी आप कैसे खोल सकते हैं। अगर इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने हिसाब लगाया था कि 2018 में इंडियन टूरिज्म ने 16.91 लाख करोड़ का कारोबार किया था, जो इंडियन जीडीपी का लगभग 9.2% था। और अनुमान ये लगाया गया है कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री का ये बिजनेस 2028 तक 32 लाख करोड़ या 450 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में कितनी पोटेंशियल है। अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलकर आप भी इस खजाने से अपने हिस्से की कमाई कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी खोलना क्यों फायदेमंद है, इसकी कुछ वजह जान लीजिए। दुनिया भर में लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और लोग अपनी लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहे हैं, जिसमें घूमना फिरना भी शामिल है। दुनिया भर में लोग नए नए डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए टूरिज्म में स्कोप ज्यादा है। प्री वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन वेडिंग और हनीमून जैसी चीजें अमीर लोगों के साथ साथ अब मिडिल क्लास लोगों में भी फेमस हो रही है। फैमिली ट्रिप पर निकलने वाले लोग फ्लाइट, ट्रेन, होटल बुकिंग और डेस्टिनेशन पर जाकर घूमने की सारी चीजें पैकेज में लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी बिजनेस मीटिंग्स और टारगेट अचीव करने वाले एम्प्लॉइज को कई कंपनीज फॉरेन ट्रिप पर भेजती हैं। साथ ही साथ आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के चलते ट्रैवल ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग और यूट्यूब पर वीडियोस डालने का क्रेज बढ़ गया है, और लोग सोलो ट्रिप पर निकल रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए वीजा, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, कैब और टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए भी ट्रैवल एजेंसी चीजें आसान कर देती है। तो ये सब जानने के बाद अब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि डिसाइड करें ट्रैवल एजेंसी का नाम। किसी भी चीज की पहचान तब बनती है जब उसका अपना एक नाम होता है। तो अपनी ट्रैवल एजेंसी बनाने के लिए भी आप कोई यूनिक नाम डिसाइड कर सकते हैं। नाम कुछ ऐसा रखें जो आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करे। अगर नाम आपको नहीं सूझ रहा है तो कई ऐसे नाम सजेस्ट करने वाले ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। नाम भी ऐसा हो जो किसी के साथ मैच ना करता हो, या मार्केट में मौजूद किसी कॉम्पिटिटर के नाम जैसा ना हो। अब बारी है कंपनी रजिस्टर करवाने की। नाम डिसाइड हो जाने पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके लिए आप अपने नाम पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, वन पर्सन कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसके अंडर आपकी एजेंसी एक वेंचर की तरह काम करेगी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रैवल एजेंसी इन इंडिया, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का वेबसाइट लिंक दिखाई देगा, tourism.gov.in। वहाँ पर ट्रैवल एजेंट बनने या ट्रैवल एजेंसी खोलने की सारी गाइडलाइंस आपको दी हुई है। सबसे पहले आपको अप्रूवल के लिए e-traveltradeapproval.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब आगे आपको अपना एरिया ऑफ वर्क डिसाइड करना होगा। ट्रैवल एजेंसी के तौर पर आप अपने कस्टमर्स को क्या कुछ फैसिलिटी देंगे, इसके लिए आपको अपनी सर्विस चूज करनी पड़ेगी, जैसे ट्रेन, बस और फ्लाइट की टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर सर्विस अगर अवेलेबल है तो, क्रूज या शिप ट्रैवल, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस, कैब बुकिंग, पैकेज डेस्टिनेशन, प्री वेडिंग, हनीमून पैकेज और धार्मिक स्थलों के दर्शन आदि। याद रखिएगा कि ट्रैवल एजेंसी के तौर पे आप अपने कस्टमर्स को क्या फैसिलिटी देंगे, उससे आपकी सक्सेस काफी डिपेंड करती है। घूमने फिरने को लेकर के लोग खुद भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रैवल एजेंसी की सर्विस ले रहा है, मतलब उसे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए और स्पेशल फील होना चाहिए, क्योंकि वो जो पैसे चुकाएंगे उसका पूरा मजा उनको मिलना चाहिए। क्योंकि कस्टमर्स जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा, और लोग आपके लॉयल कस्टमर बनकर आपकी सर्विस दोबारा यूज करेंगे। अब आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे पार्टनर्स की। एक नई ट्रैवल एजेंसी के तौर पे जब आप मार्केट में नए होंगे तो आपको अच्छे पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे बस सर्विस, ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स के लिए, अच्छी होटल बुकिंग्स के लिए, फॉरेन डेस्टिनेशंस के लिए आदि।
इसके अलावा भी आपको अपने एंड पे टूर गाइड्स, ड्राइवर्स, होटल, लॉज, होम स्टेज जैसे अकोमोडेशन इंडिविजुअल्स और चेन्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा। बिजनेस की शुरुआत में ही आपको कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने रेट्स इतने हाई ना रखें जो आपके कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल ना हो। कम मार्जिन के साथ बिजनेस करेंगे तो धीरे धीरे आपका कस्टमर बेस भी बढ़ता जाएगा और आप इस एरिया को भी समझते जाएंगे। अगर आपकी उम्र कम है और आप इस काम को इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो किसी बड़ी ट्रेवल एजेंसी में जॉब कर लीजिए। कुछ सालों के बाद आपकी नॉलेज खुद ही बढ़ जाएगी और अपनी एजेंसी खोलने के लिए आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपको अपनी पॉलिसी भी अच्छी रखनी पड़ेगी। ट्रेवल एजेंसी चलाने के लिए आपको अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जैसे अगर कोई अपनी बुकिंग कैंसिल करवाता है तो उसे कितना रिफंड किया जाएगा। ट्रिप पे गए कस्टमर्स को अगर कोई सर्विस नहीं मिली या कोई डेस्टिनेशन जो बंद मिला पर उसके चार्ज जोड़ लिए गए हैं तो उसका पैसा उसे वापस देना जैसी चीजें, ये सारी बातें आप बुकिंग के वक्त ही कर लीजिए और अपनी पॉलिसी को समझा दीजिए। साथ ही कोई हिडन चार्ज या कॉस्ट ना रखे, सर्विस चार्ज, टैक्स या जीएसटी कितना देना पड़ेगा, ये सारी बातें पहले ही क्लियर कर देंगे तो कस्टमर बाद में कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा और आप भी मेंटली काम रहेंगे। याद रखिएगा कि अपने कस्टमर्स को अगर आप डाउन फील नहीं होने देंगे तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। कई कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो बीच सर्विस में ही आपसे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी डिमांड कर सकते हैं, जैसे होटल रूम अपग्रेड करना, बड़ी गाड़ी या फिर कुछ और। तो ऐसे में आपकी रेपुटेशन अपने पार्टनर, होटल या सर्विस प्रोवाइडर की नजर में ऐसी होनी चाहिए जो आपके कहने पे सर्विस क्वालिटी बढ़ा दे। इससे आपकी एजेंसी का इम्प्रेशन बेहतर बनेगा। साथ ही अच्छी वेबसाइट का होना आपके बिजनेस स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा। अपने बिजनेस के डे वन से ही अपनी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट शुरू करवा लीजिएगा। आजकल वेबसाइट का होना बहुत कॉमन है और आपकी एजेंसी कैसी है, क्या सर्विस देती है, पॉलिसी कैसी है, इन सभी चीजों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालकर रखेंगे तो लोगों को चीज एक्सप्लोर करने में आसानी होगी और बिजनेस इंक्वायरी भी बढ़ेगी। अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट का बजट है तो आप टीवी, रेडियो, प्रिंट या डिजिटल प्रमोशन भी करवा सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर करियर बनाने की बात है तो आप बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, MBA इन टूरिज्म एंड ट्रैवल या PG डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। बैचलर डिग्री के लिए किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12th में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री और 45-60% तक के मार्क्स होने चाहिए। IIHM कोलकाता, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट चेन्नई, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और SIITAM हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट से आप ट्रैवल एंड टूरिज्म की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने राज्य में या शहर में भी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट का पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इग्नू से डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज कर सकते हैं। पढ़ाई के बाद अगर जॉब की बात की जाए तो आप ट्रैवल एजेंट, टूरिस्ट गाइड, एयरलाइन कंपनी में ग्राउंड स्टाफ, ट्रैवल मैनेजर और ट्रैवल कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल्स के लिए जॉब ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपनी ट्रैवल एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। जॉब करने पर आप 20 से 25,000 रुपए की सैलरी से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बाद में बढ़ते एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज, स्किल्स और अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आप अच्छा पैकेज और जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। कॉक्स एंड किंग्स, मेक माई ट्रिप, गो IBO, यात्रा, क्लियर ट्रिप, जेट एयरवेज, इंडिया हेल्थ केयर टूरिज्म, SOTC इंडिया, ये कुछ बड़े रिक्रूटर्स हैं जो आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि क्विक सपोर्ट के बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और बिजनेस सीरीज पे आ रहे फुल केस स्टडी वीडियोस से आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए क्विक सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलते हैं।